हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे मैंने पनीर, प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च सब कुछ कट कर लिया है। चलिए बताती हूँ एक क्विक सी पनीर की रेसिपी। तो कढ़ाई में ऑयल लेना है, फिर पनीर ऐड करेंगे। ये मेरा होममेड पनीर है और पनीर को ना लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। फिर एक सॉस का मसाला बनाना है जिसमें टमाटर सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस हम लेंगे। साथ में तो 1 चम्मच दही और चीनी एंड चाइनीज़ नमक ऐड किया है मैंने। और सेम ऑयल में लहसुन और हरी मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉटे करने के बाद प्याज और कैप्सिकम भी ऐड कर देंगे। और जब शिमला मिर्च और प्याज थोड़ा सा कुक्ड हो जाएगा तो जो मसाला हम बनाए थे उसको ऐड करेंगे। साथ में काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा सॉटे करना है। उसके बाद कॉर्न स्टार्च में थोड़ा सा फूड कलर मिला करके हम ऐड कर देंगे और इसे काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। देन जो फ्राई किया हुआ पनीर था उसको हम ऐड करेंगे और बहुत ही जल्दी हमारा पनीर चिल्ली बन करके रेडी होता है। सारा सॉस आप एक साथ मिक्स करके रख लेंगे तो आपको इजी होता है। और चाइनीज़ जो भी हम रेसिपी बनाते हैं उसमें ज़्यादा वेजिटेबल कुक्ड नहीं होना चाहिए, तो हमारा टाइम बचता है और रेसिपी अच्छी बनती है। साथ में मैंने बनाया था गरम गरम रोटी एंड उसके साथ मैं दूध गरम कर दी थी आज का, और यहाँ पे रोटी मेरा बन गया है। उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने डिनर थाली लगा दिया है। अब मिलती हूँ मैं कल सुबह मॉर्निंग में आप लोगों से। यहाँ पे मैंने चिकू का टिफ़िन पैक कर दिया है, आज उसको मैगी ले जाना था। यहाँ पे चीकू को हम लोग स्कूल छोड़ दिए हैं और उसके पापा उसको क्लास तक छोड़ करके आएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। चीकू को स्कूल से छोड़ने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। 8 बज गया है और यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया है। उसमें बेसन, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा चीनी और खाने का सोडा ऐड करेंगे। सिंपल वाला जो मार्केट में पकौड़ा मिलता है प्याज का, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो लोग मार्केट में कुछ और मसाला ऐड नहीं करते। और देखिए मैंने मिक्स कर लिया है बस। अब इसको गरम गरम ऑयल में हम डाल करके फ्राई कर लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सा पकौड़ा बन करके रेडी हो जाएगा। हमारे यहाँ तो हस्बैंड जो है रोटी के साथ भी इसको खाते हैं, तो मैं उनको वैसे ही सर्व करूँगी, चाय, रोटी और ये पकौड़ा। आप लोग चाय वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे पकौड़ा मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, तो 2 हरी मिर्च भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। और धनिया पत्ता की चटनी के साथ आप गरम गरम पकौड़ा इंजॉय कीजिए, काफ़ी टेस्टी और अच्छा लगता है। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है और काफ़ी क्रिस्पी भी बना था। आप बैटर को थोड़ा सा ना टाइट ही सानिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो झुमका का कलेक्शन है वो शेयर करूँगी। सबसे पहले ये ब्लैक मेटल कलर का है, फिर वाइट, रेड एंड बहुत सारा मल्टी कलर का एक था, ब्लू कलर का एक झुमका है और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आज मैं झुमका आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, एक दिन सारा कान का जो है वो शेयर करूँगी। और एक ब्लैक कलर का है।
और बहुत सुंदर सुंदर सा है। इस कुछ कुछ एक दो मैं एक बार पहनी हूँ और बाकी सब तो नया ही है। एंड ये वाला भी बहुत सुंदर है। तो मेरा ना घर जाती हूँ मायके, तो वहाँ पे दुकान है, तो मैं लेकर के आई थी भैया लोग से, और बहुत सुंदर सुंदर था। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा झुमका का कलेक्शन बताइएगा, और कान का कलेक्शन देखना है तो भी बताइएगा। उसके बाद मैं लंच की मटर वाला छोला और राइस बनाई थी, थोड़ा सा प्याज और मिक्सचर ली। रेसिपी मैं शेयर नहीं की हूँ क्योंकि छोला की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में आप लोगों के साथ मैं शेयर की हुई हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग गए थे मार्केट क्योंकि मुझे लेना था मशरूम, एक दिन आगे मैं बनाई थी तो हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था, तो हम लोग जा रहे थे देसी मशरूम लेने। घर से 5-10 मिनट ही लगता है जाने में, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ। एंड आ भी गई मैं, एंड यहाँ से देखिए मैं मशरूम लेकर के आई हूँ। पुआल छत्तू बेसिकली हम लोग तो बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करना। और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आप लोगों के वहाँ मिलता है ना तो आप ज़रूर बनाइएगा। और पूरा चिकन का जैसा लगता है। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल में मैंने जीरा ऐड किया है, उसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड करना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये वाला मशरूम ना मतलब चिकन का जैसा लगता है, और जब इसको आप धोओगे ना तो पूरा ब्लड जैसा इसका पानी भी हो जाता है। उसके बाद मैंने प्याज जब फ्राई हो गया था तो अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है, उसको भी अच्छे से फ्राई किया है। फिर थोड़ा सा पानी देके हम मसाला को अच्छे से भून लेंगे। फिर जो मेरा घर का मसाला रहता है वो मैंने ऐड किया है। और देखिए यहाँ पे मशरूम मैंने धो करके कट कर लिया था अच्छे से, मसाला भी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब हम इसमें मशरूम ऐड कर देंगे, और मशरूम बहुत ज़्यादा पानी जो है अपना छोड़ता है, तो अभी इसका पानी जो है देखिएगा सेपरेट हो जाएगा। और उसी पानी में मशरूम को अच्छे से कुक कर लेना है, फ्राई कर लेना है पूरा अच्छे से। और अगर आपको मेरे घर का मसाला का रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसमें सिंपल धनिया जीरा और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मशरूम मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, और ज़्यादा मतलब पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है और लटपटा सा इसको बनाना है। और मैं साथ में बना रही हूँ रोटी, और यहाँ दूध भी मेरा गर्म हो गया है। और बस गरम गरम रोटी और मशरूम की सब्जी, थोड़ा सा प्याज मैं कट करूँगी, सिंपल सा बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिनर है। और दोनों गैस में मेरा काम हो रहा है, एक साइड सब्जी बन रहा है और एक साइड मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। एंड आप लोगों के वहाँ अभी कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मेरा सब्जी बन करके रेडी है, एंड ये है मेरा थाली। होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। और लास्ट में मैं एग बॉयल की क्योंकि हस्बैंड का और बेटे का फरमाइश था। चलिए मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।